लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। खासकर सत्ताधारी भाजपा ने आचार संहिता लगने से पहले ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे कयासों के दौर को भाजपा ने खत्म कर दिया है। वहीं कांकेर लोकसभा से सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर अंता करके पूर्व विधायक व जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांतीय संयोजक भोजराज नाग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद भोजराज नाग ने अपने गृह ग्राम अंतागढ़ हिमोड़ा शीतला माता मंदिर में माथा टेक कर पूजा अर्चना की है। होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने है जो अपना पत्ता खोल दिया है। वहीं कांकेर लोकसभा से बीजेपी ने भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है भोजराज नाग जी। बताएंगे आप टिकट के लिए कैसा प्रयास था आपका? भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता को कब आगे बढ़ाना है, क्या करना है, पार्टी नेतृत्व और संगठन तय करती है। पर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के काम करती है और दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपको टिकट मिल चुका है, आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे वोट के लिए? अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने अपने केंद्र सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजना चला के रखी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, हमारे जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में चावल देने की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, इस प्रकार के तमाम योजनाएं हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो कि हमारे आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो मोदी जी ने जो गारंटी योजना लागू की थी उस योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ भोजराज नाग जी जो कांकेर लोकसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी साफ तौर पर करना है कि जो लोकसभा चुनाव होना है उस पर हम लगातार तैयार हैं और बूथ लेवल तक इसकी तैयारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ